विजय सीतारमण है जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने कहा है हम पैसा नहीं लौटाएंगे। जो पैसा जमा हो गया अभी तक हमारा 2004 के बाद में पैसा जमा हो गया है, और वो पैसे के लिए वो कह रही है हम ये पैसा लौटाएंगे नहीं। ये कर्मचारियों का पैसा कटा हुआ है, एक ट्रस्ट बनाया गया भारत सरकार में, पैसा उसमें जमा होता है, और जो कर्ता पैसा केंद्र सरकार का या कर्मचारी का और स्टेट गवर्नमेंट का वो जमा उसमें होता है। अब मुझे बताइए जो किस्तें जमा हुई अभी तक, उससे वो इनकार कर रही है। आप वित्त मंत्री हो भारत सरकार की, आप अगर पैसा जो जमा आपके पास ट्रस्टी के रूप में है और हमने वापस लागू कर दी पुरानी पेंशन योजना, वो हमारा पैसा है और लौटाने में आप आनाकानी कर रही हो, इनकार कर रही हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? क्या इतना दिवालिया हो गया केंद्र सरकार तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो जो करेगी ओपीएस उस पैसे को लौटाने में आपको तकलीफ हो रही है? उस पैसे में आपका कैसे अधिकार हो सकता है? जवाब वो दे, स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने डराने के लिए राज्य सरकारों को, हम परवाह नहीं करेंगे, हम तो ओपीएस लागू कर दिया है, लागू होके रहेगी। और गुजरात सरकार से मैं कहना चाहूँगा चुनाव में आपको तकलीफ आएगी, तकलीफ आ गई है, आंधी चली आपके खिलाफ में है, अभी गुजरात में जनता में आक्रोश है सब मुद्दों को लेके, आंधी चल रही है और कांग्रेस सरकार बनाएगी 1-2-5 जो मिशन रखा है अध्यक्ष जी ने वो पूरा होगा।